वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने 12th इंग्लिश मीडियम में जो फ्लेमिंगो बुक है उसका तीसरा यूनिट थर्ड रीड ब्लू वाटर डीप वाटर हमने स्टार्ट किया था। उसमें देखा था कि राइटर कैसे डरे हुए थे, पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, जब वो बच्चे ने, जो बड़ा बच्चा था, उन्हें फेंक दिया था पुल के अंदर और वहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सारी कोशिश नाकामयाब रही थी। और वहाँ से आगे हमें वीडियो में जाते हैं तो दूसरा पैसेज, आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। फ्लेड मीन्स हाथ हिलाना। वो सरफेस पे आने के लिए कोशिश कर रहे थे हाथ हिला के, स्वेलो एंड चॉक, लेकिन वो बहुत सारा पानी पी गए थे, उनका जो लंग्स थे वो भी चॉक हो गए थे। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट पैरालाइज एंड रिगिड अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। आई स्क्रीम बट ओनली द वॉटर हर्ड मी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। उन्होंने कोशिश की हाथ पैर हिलाने की, लेकिन जैसे कि वो पैरालाइज हो गए, रिजिड हो गए, ऐसा लग रहा था क्योंकि अंदर को उनमें बहुत डर आ गया था, एक टेरर आ गया था, बहुत सारा पानी पी गए थे और पैर भी हिला नहीं पा रहे थे और वो बॉटम के अंदर फिर से पुल के अंदर जा रहे थे और जो उनकी कोशिश थी बाहर आने की उसमें उनको सक्सेस नहीं मिल रही थी। स्क्रीम करने की कोशिश की, किसी को बुला करने की कोशिश की, लेकिन वाटर के अंदर कुछ हम आवाज़ नहीं निकाल पाते, आपको पता है जैसे कि, तो उनकी भी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन एक्सपांडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एंड इरिस्टिबल फोर्स। उनको ऐसा लग रहा था जैसे नाइटमेयर, हम कोई नाइटमेयर देख रहे हो और हमारे हाथ पैर हम हिला नहीं पा रहे, इसी तरह ये पानी के अंदर वो अपने हाथ पैर हिला नहीं रहे, वो कोशिश कर रहे थे लेकिन वो जैसे पैरालाइज हो गए हो, उनको ऐसा लग रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, जैसे कि पूरी ब्रीथ उनकी लॉस्ट हो गई हो, उनको ऐसा लग रहा था। माई लंग्स एज माई हेड थ्रॉप आई वॉज गेटिंग डीजी, लंग्स और हेड के अंदर पेन हो रहा था, वो भी उनके डीजी हो रहे थे वो भी। बट आई रिमेंबर द स्ट्रैटेजी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स एंड द थ्रेस विथ माई लेग्स, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। लेकिन उन्होंने अपनी जो स्ट्रैटेजी थी कि जैसे ही वो बॉटम में जाए, पानी के नीचे जाए और उनके पैर जैसे ही बॉटम पर टच करे, पूरे जोर से जितनी भी उनमें एनर्जी है उतने एनर्जी से वो जंप लगाए और बाहर आने की कोशिश करे, वो स्ट्रैटेजी उन्होंने याद की कि भाई अभी भी मुझे वही करना है, जब मैं नीचे जाऊंगा फिर से मैं जंप मार के आगे आने की कोशिश करूंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, आई ओपन माय आईज, नथिंग बट वाटर विद येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। वो बिल्कुल नीचे जाने लगे डाउन टू डाउन और उन्होंने अपनी आंखें खोल के देखने की कोशिश की, लेकिन येलो वाटर के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो बहुत गंदा डार्क वाटर था। एंड देन सीज स्टार्क टेरर सीज मी, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नो एक्सपीरियंस इट। उनके अंदर एक डर आ गया था, बहुत डीप डर आ गया था, टेरर आ गया था और वो टेरर से अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नाकामयाब हो रहे थे। और यहाँ बताते हैं राइटर कि भाई एक ऐसा टेरर था जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था और ये वही समझ सकता है जो ऐसे एक्सपीरियंस से गो थ्रू हुआ हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, वो वाटर के अंदर डूब रहे थे। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, स्टीप रिजिड विथ फियर, इवन द स्क्रीम इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, ओनली माई हार्ट एंड पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल लाइव। जैसे कि पूरी बॉडी उनकी पैरालाइज हो गई हो, वो स्टिल स्टैंड स्टिल हो गया हो, डेड बॉडी हो गई, ऐसा लग रहा था, सिर्फ उनके जो हार्ट बीट है और पाउंडिंग ऑन हेड इन हिज हेड वही उनके जीवित होने की निशानी थी। वो हार्ट बीट से ही पता चल रहा है अभी तक मैं जीवित हूँ, वरना उनको तो ऐसा ही लग रहा था कि मैं डेड हो गया हूँ। एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर के मट्टा चॉप रीजन, I must remember to jump when I hit the bottom. At last I felt the tiles under me. My toes reach out as if to grab them. I jumped with everything I had. वैसे ही धीरे धीरे नीचे गए और जैसे ही उनके टोज मीन्स पैरों के जो उंगलियाँ होती है वो टाइल्स के जब टच हुई,
तो वो ग्रैब कर रही हो ऐसा लग रहा था कि कोई उनको अंदर खींच रहा हो ऐसा लग रहा था, लेकिन पूरी एनर्जी से वो अपनी स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ते हुए जंप किया और बाहर आने की कोशिश की। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, बट वो भी टोटली वेन, नो डिफरेंस, वो बाहर आ नहीं सके। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पूरी बॉडी बाहर नहीं आई, अराउंड वाटर ही था क्योंकि 9 फीट डीप वो स्विमिंग पूल में गिरे थे। आई लुक फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। बाहर लैडर है, रोप्स है और वाटर विंग्स लेने की कोशिश की, देखने की कोशिश की, लेकिन वाटर के अलावा उनको कुछ नहीं दिखा। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, उनकी पूरी बॉडी वाटर ने हेल्ड कर दी थी, येलो वाटर ने। स्टार्क टेरर टू कैन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई शुक एंड ट्रम्बल विथ फ्राइड, माई आर्म्स वुडन्ट मूव, माई लेग्स वुडन्ट मूव। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपन। ये राइटर यहाँ बता दे भाई उनकी बॉडी जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज लगा और पूरी स्टैंड स्टिल हो जाती, ऐसी हो गई थी, डिडली हो गई थी, एक टेरर माइंड के अंदर था। उन्होंने मदर को बुलाने की कोशिश की, दूसरी हेल्प को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो पानी के अंदर कुछ नहीं कर पाते थे, नथिंग हैपन। उनके सारे जो प्रयत्न थे अभी वेन हो रहे थे, नाकाम हो रहे थे। आगे राइटर बताते हैं, एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द एयरफुल येलो वाटर, एटलीस्ट माई आइज वर, माई नोज वर ऑलमोस्ट आउट टू। और धीरे धीरे उनकी बॉडी स्ट्रेंजली ऊपर आई, पूरी बॉडी तो नहीं लेकिन आइज और नोज बाहर आई और उनको बाहर की लाइट दिखाई दी, थोड़ी होप जागी कि अब मैं बच जाऊँगा। लेकिन सडनली क्या हुआ, देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, लेकिन तीसरी टाइम वो पानी के अंदर जाने लगे। आई सक फॉर एयर एंड कॉट वाटर, नोज से उन्होंने एयर लेने की कोशिश की लेकिन वाटर के अलावा कुछ नहीं आया। द येलो इस लाइट वॉज गोइंग आउट, और धीरे धीरे बॉडी अंदर गई और जो लाइट दिखाई दी थी वो भी बंद हो गई, अब उनमें इतनी एनर्जी नहीं थी वो बाहर निकल सके। देन ऑल एफर्ट्स सीज, सारे प्रयत्न उनके सीज हो गए, ख़त्म हो गए। आई रिलैक्स, अब राइटर को लगा कि भाई मेरी देह दिखे तो एकदम रिलैक्स हो गए, इवन माई लेग्स फेल लिम्प, लेग भी जैसे लिम्प हो गए हो, पैरालाइज हो गए ऐसा लग रहा था। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, इट वाइट आउट फियर, इट वाइप आउट टेरर, देर वॉज नो मोर पैनिक, इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, दिस इज नाइस टू बी ड्रोजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प, टू टायर्ड टू जम्प, इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। देखो एक डूबते हुए आदमी को कैसा एहसास होता है, ये यहाँ बताए कि अब मैं मरने वाला हूँ, अब कोई ज़्यादा पैनिक नहीं, कोई फियर नहीं, पूरा शांत पीसफुल में रहूँगा, मेरी आत्मा को, मेरे सॉल को जैसे कोई पीसफुल प्लेस पे ले जा रहा हो, ऐसा उनको लग रहा था। ड्रोजी स्लीपी हो रहे थे वो, अब जंप करने की तो कोई एनर्जी नहीं रही थी, तो बता रहे नो नीड टू जंप। और राइटर को ऐसा ही लग रहा था कि भाई मैं मरने वाला हूँ और मेरी आत्मा को, मेरी बॉडी को जैसे कोई टेंडर आर्म्स, कोई मदर के आर्म के अंदर हो और वो मुझे फ्लोटिंग करके स्पेस में ले जा रही हो, ऐसा वो महसूस कर रहे थे। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, वो बिल्कुल विस्मृत हो गए, ऑब्लिवियन हो गए, फॉरगेटफुल हो गए, और जैसे एक पर्दा उनकी लाइफ के आगे आ गया हो वैसे बेसुध हो गए हो, और उनको ऐसा ही लगा कि मेरा देह हो गया हो। लेकिन सडनली किसी की हेल्प मिली और क्या हुआ देखो, द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग, और राइडर वो बेसुध हो गए थे लेकिन जब होश में आए तो उनको इतना पता चला कि वो पूल के बाहर है और पेट के बल गिरे हुए हैं और कोई पानी निकालने की कोशिश कर रहे हो, वॉमिटिंग कर रहे हो। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग, और जिस बच्चे ने उनको वहाँ, जिस वृजन ने उनको वहाँ फेंका था वो बोल रहा था भाई मैं तो मजाक कर रहा था। समवन सेज द किड नियरली डाई, तो किसी ने उनको डांटा कि भाई बच्चा मरने ही वाला था, बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, अभी वो अच्छा है, चलो उनको लॉकर रूम में ले जाते हैं। तो इस तरह वो बच गए, किसने बचाया यहाँ हमें बताया नहीं, लेकिन हम गेस कर सकते हैं कि जिसने फेंका होगा वो उसने देखा होगा भाई बच्चा ऑलरेडी स्विमिंग नहीं कर पाता और डूब रहा है, तो शायद उसने ही बचाया होगा और उनका जो सिर के बल उनको लेटा दिया होगा और
पानी निकाल रहे होंगे और इस तरह उनकी जान बच गई। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉक होम। आई वॉज वीक एंड ट्रम्बलिंग। आई शूक एंड क्राई व्हेन आई ले ऑन माई बेड। आई कुडंट ईट दैट नाइट। फॉर डेज अ हंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट। द स्लाइटेस्ट एक्सटर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वुबली इन द नी एंड सिक टू माई स्टमक। देखो, एक टेरर आ गया दूसरी बार। पहली बार जब छोटा बच्चा था तब, और ये दूसरी बार स्विमिंग सीखने की कोशिश की तब। तो जब वो सेवरल आवर्स के बाद थोड़ा रिलैक्स हुए तो घर जाने की कोशिश की। वो बहुत वीक हो गए थे, उनके पैर भी ट्रम्बलिंग हो रहे थे, और वो घर जाके अपने बेड पे सो के रोने लगे। उन्होंने कुछ खा भी नहीं पा रहे थे और अब एक डर आ गया था। अब उन्होंने फिर से कोशिश नहीं की ये सब सीखने की। पानी की बात आती थी तो एक माइंड के अंदर एक टेरर आ जाता था। वो अपने नी पे खड़े भी नहीं रह पा रहे थे, और जैसे भी वो सिक टू माई स्टमक, उल्टियाँ होने लगी थी, पेन होने लगता था, ऐसा एक डर उनके अंदर आ गया था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। और उसके बाद वो कभी स्विमिंग सीखने के लिए गए नहीं। आई फियर वाटर, एक वाटर फोबिया हो गया था। आई अवॉइड इट वेन एवर आई कुड। और जब जब वो पानी में जाने की कोशिश करते थे, वो टेरर आ ही जाता था, इसलिए वो अवॉइड ही कर रहे थे पानी को। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर ऑफ द कैस्केड्स, मीन्स ब्रुक्स, झरने, और थोड़े सालों के बाद जब वो बड़े हुए तब उन्हें वो कैस्केड्स के बारे में पता चला, पानी के झरने में जहाँ जाके हम बैठते हैं। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम। राइटर भी वहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ जाने का मन होता था, लेकिन वो डर की वजह से नहीं जा रहे थे। एंड व्हेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वाइडिंग द टीटर्न्स ऑफ बम्पिंग रिवर, ये सब रिवर के और प्लेस के नेम याद रखना, और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉड रॉक, से भी एक प्लेस का नाम है। द टेरर दैट हैड सीज मी इन द पूल वुड कम बैक। इट वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कम्प्लीटली। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज। आई सी हॉरर वुड ग्रैप माई हार्ट। और राइटर ने जब जब फिर भी ऐसी कोशिश की, बड़े हुए पानी में जाने की कोशिश की, स्विमिंग की कोशिश की, इवन बाथिंग करने की कोशिश की, वो एक डर उनके मन में आ जाता था और वो डर निकल नहीं पा रहे थे, और पानी से वो अपने को दूरी ही रखते थे, एक दूरी बनाई हुई थी। एक जैसे कि एक ऑब्स्टिकल आ गया था, अब उनको लगा कि मैं कभी स्विमिंग नहीं कर सकूँगा, बोटिंग नहीं कर सकूँगा, ऐसा लग रहा था उनको। दिस हैंडीकैप स्टे विथ मी एज द ईयर्स रोल बाय इन कैनोइज ऑन माइंड लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैल्मन, ये सब फिश के नाम है और प्लेस के नाम है, बास फिशिंग इन न्यू हेमिस्फीयर। और ऐसा उनके साथ कई बार हुआ कि जब जब वो कैनोइज मीन्स छोटी सी बोट में जाते थे फिशिंग के लिए न्यू हेमिस्फीयर की कोई लेक के अंदर, कोई रिवर के अंदर, वही डर उनके अंदर आ जाता था और वो फिशिंग भी कर नहीं पाते थे। ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्केस एंड मेटोलियस इन ऑर्गन्स, ये सब रिवर और प्लेसेस के नाम है। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स। वेर एवर आई वैन द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलो मी। इट रून माई फिशिंग ट्रिप। डिप्राइव मी मीन्स वंचित रखना। डिप्राइव मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। तो जब जब वो ऐसे कोई पानी के अंदर जाते थे, कोई रिवर के अंदर, लेक के अंदर या ब्रुक के अंदर, झरने के अंदर, एक डर उनके मन में आ जाता था और ये जो सब चीज़ें हैं, फिशिंग है, बोटिंग है, कैनोइंग है, स्विमिंग है, इससे अपने आप को ये दूर ही रखते थे। वो उसका जो मज़ा है वो लूट नहीं पा रहे थे। दूसरे दोस्त उनके जो एंजॉय करते थे, लेकिन ये एंजॉय नहीं कर पाते थे क्योंकि वो टेरर था, एक जो फोबिया था वाटर फोबिया उनके अंदर आ गया। उन्होंने सोचा कि मैं इससे दूर अब कैसे आऊँ, ये डर कैसे निकालूँ। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन दिस ग्रिप। उन्होंने कोशिश भी की लेकिन वो फेल हो गए क्योंकि डर फर्मली उनमें ग्रिप कर दिया था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। फाइनली उन्होंने क्या किया कि 1 अक्टूबर के महीने के अंदर उसको एक ट्यूटर मिले, इंस्ट्रक्टर जो रेडी हुए उनको स्विमिंग सिखाने के लिए। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week एंड आर ईच डे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो पाँच दिन एक एक घंटा मैं स्विमिंग सीखूंगा, और उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, अ रोप अटैच टू द बेल्ट, वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ।
back and forth across the pool, hours after hour, day after day, week after week. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. अब क्या हुआ कि वो इंस्ट्रक्टर था, उन्होंने उनके जो स्टमक था वहाँ भी एक बेल्ट लगा दिया, ऊपर एक रोप लगा दिया पूरे पुल के सामने, और एक पुली के द्वारा उनको सिखाने की कोशिश की ग्रुप के जरिए, जिससे वो डूब नहीं। तो शुरुआत में तो उनको डर लगता था, लेकिन डे आफ्टर डे जैसे ही वो प्रैक्टिस करते गए वीक आफ्टर वीक, और डर धीरे धीरे कम होता गया और उनका जो फोबिया था अभी दूर होने लगा। लेकिन अभी इंडिपेंडेंटली नहीं, वो इंस्ट्रक्टर साथ में ही था, बेल्ट बंधा हुआ था, पूरी सेफ्टी के साथ वो स्विमिंग सीखने लगे। ऑन इच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बीट ऑफ द पैनिक सीज मी, इच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोजन। तो सम टाइम क्या करते थे कि जब वो राइटर स्विमिंग कर रहे होते तो रोप को लूज करते थे और उनकी बॉडी पानी के अंदर जाती थी, और जैसे ही पानी के अंदर उनकी बॉडी जाती थी वैसे वो टेरर आ जाता था और लेग्स उनके फ्रोजन हो जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक, और ऐसे 3 months उन्होंने प्रैक्टिस की, तब धीरे धीरे वो टेंशन कम हुई, थोड़ा डर कम हुआ। देन इट टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। आई रिपीट द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, बीट बाई बीट आई सेव पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज मी वेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। फिर इंस्ट्रक्टर ने उनको डुबकी लगाइए, पानी के अंदर जाइए, इनहेल एक्सहेल करिए, किस तरह स्विमिंग करें पानी के अंदर भी, वो सब सिखाने की कोशिश की। और वो जो इंस्ट्रक्टर उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा था वो सब फॉलो कर दे राइटर ने ये सब सीखने की कोशिश की, और धीरे धीरे उनका डर कम हुआ। ये काफ़ी महीने लगे लेकिन डर उनका धीरे धीरे कम होने लगा था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हेल्ड मी किक विथ माई लेग। फिर उनकी दूसरा सेशन शुरू हुआ, अब बिना रस्सी के, बिना बेल के, बिना सेफ्टी के उन्होंने बताया कि पानी में किक लगाओ और इंडिपेंडेंटली स्विमिंग करने की कोशिश करो। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, थोड़े वीक्स वे भी प्रैक्टिस की उन्होंने। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। पहले तो पैरों ने काम करना बंद ही कर दिया था वो डर की वजह से, लेकिन जैसे ही वो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, वो हमारी एक कहावत है, इसी हिसाब से वो ग्रेजुअली ये सब लर्न करने लगे और उनके पैर भी अच्छी तरह हिलने लगे और स्विमिंग करने लगे वो। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर एंड व्हेन ही हैड परफेक्ट ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, डाइव अप एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्राउल स्ट्रोक। क्राउल स्ट्रोक एक स्विमिंग का टाइप है। और एक धीरे धीरे जो इंस्ट्रक्टर था उन्होंने पूरी अपनी मेहनत से लगा उसे राइटर को स्विमिंग सिखाया, और जब राइटर का डर निकल गया वो इंडिपेंडेंटली डाइव लगा के स्विम कर सकते थे, तब एक अप्रैल मंथ में उन्होंने अनाउंस किया कि नाउ यू आर अ गुड स्विमर, यू कैन स्विम, डाइव अप, स्विम द लेंथ ऑफ पूल एंड क्राउल स्ट्रोक, इस तरह आप इंडिपेंडेंटली स्विम कर सकते हो। इंस्ट्रक्टर का काम यहाँ ख़त्म हो गया। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश। और इस तरह कई महीनों के बाद राइटर ने, जैसे कि अक्टूबर में शुरू किया और अप्रैल तक उनकी सेशन चला सीखने का, और अप्रैल में वो अच्छी तरह से अच्छा स्विमर बन गए और जो डर था वो निकल गया था, लेकिन पुल के अंदर निकल गया था। इंडिपेंडेंटली अभी भी उनका डर निकलना बाकी था। बट आई वॉज नॉट फिनिश, इसलिए यहाँ राइटर बता दे भाई इंस्ट्रक्टर का काम फिनिश हुआ लेकिन मेरा नहीं हुआ। आई स्टिल वंडर इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। उनको लगा कि भाई अभी भी वो टेरर मेरे मन में आएगा जब मैं पूल में अकेला हूँ। आई ट्राइड, उन्होंने ट्राई किया अकेले। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, अप एंड डाउन उन्होंने पूरा पूल स्वैम किया। टाइनी वेस्टेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्कार मी, वेल हियर इज टू यू, लुक एंड ऑफ आई हैड आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। थोड़ा डर ने आने की कोशिश की लेकिन राइटर ने अपना माइंड मेकअप किया था और डर को बोला कि भाई तू आप मैं तेरे को दिखाता हूँ, मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, तो डर के आगे जीत हो, ऐसे उन्होंने यहाँ वो जीत हासिल की और पूरा पूल, पूरा लेंथ ऑफ पूल उन्होंने स्विम करके दिखाया।
दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, ऐसी प्रैक्टिस उनकी पूल के अंदर जुलाई तक रही, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी तक वो सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि तो पुल था, अभी रिवर लेक उनके यहाँ स्विम करना उनके लिए बाकी था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, उन्हें अभी भी वो श्योर नहीं थे कि पूरा टेरर मेरे मन से निकल गया, फोबिया निकल गया है। सो आई वेंट टू लेक, इसलिए वो लेक के अंदर गए, कहाँ का लेक था, वेंट फॉर इन न्यू हेमिस्फीयर जो यूके यूएसए का पार्ट है, डाइव अपर डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, ऊपर आइलैंड से सीधा पानी के अंदर डाइव लगाया लेक के अंदर, एंड स्वैम टू माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एट आइलैंड, और 2 miles तक उन्होंने स्विमिंग किया और पूरा लेक अक्रॉस करके दूसरे और दूसरे आइलैंड की तरफ भी वो गए, ऐसे स्विमिंग उन्होंने दर निकालने की कोशिश की। आई स्वैम द क्राउल, ब्रिज स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, अलग अलग टाइप से स्विमिंग के, एंड बैक स्ट्रोक, सारे जो टाइप्स आते हैं, सारी जो अलग अलग टाइप के स्विमिंग होती है वो उन्होंने कोशिश की अंदर। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, और इस कोशिश में एक ही बार उनके अंदर टेरर आया, कब, व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ लेक, जब वो लेक के मिडल में आए, बहुत डीप वाटर के अंदर आए, तब थोड़ा टेरर उनके अंदर आ गया। आई पुट माई फेस अंडर एंड सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, जब उन्होंने डुबकी लगाई और पानी के अंदर गए तो सिर्फ बॉटमलेस वाटर ही दिखाई दिया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन माई नेटर, थोड़ा जो डर था पुराना वो वहाँ दिखाई दिया। आई लाफ एंड सेड, लेकिन राइटर ने मक्कम मन के थे, वो हंसे और टेरर को चैलेंज दी कि वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, आपको क्या लगता है आप मेरे साथ क्या कर सकते हो। इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, और डर भाग गया उनके चैलेंज से और वो पूरा लेक स्वैम करके आगे आगे की ओर बढ़ गए। येट आई हैड रिशेड्यूल डाउट्स, अभी भी थोड़े बहुत डाउट थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, और वो वेस्ट की ओर गए, वेंट अप टू द टाइटन टू कॉन्ड्रेड मीडो, ये प्लेस का नाम है जहाँ पे सी है, लेक है, अप द कॉन्ड्रेड क्रिक ट्रायल टू मिड ग्लेशियर, ये सब प्लेसेस के नेम है, एंड कैंप इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वन लेक। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप डाइव इन टू द लेक एंड स्वम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, जस्ट एज डक कॉर्प्रॉन, जो बहुत बड़े स्विमर हैं, यूज टू डू। तो इन्होंने क्या किया, दूसरे लेक पे गए, अलग अलग लेक पे गए, और जैसे कि डक कॉर्प्रॉन जो बहुत बड़े स्विमर थे वो जिस तरह डाइव लगा के पूरा लेक क्रॉस करते थे, ऐसे ही इन्होंने कोशिश की और कामयाब भी रहे, तो जो उनके अंदर डर था वो बिल्कुल निकल गया। आई साउट विथ जॉय, अब उनके अंदर एक खुशी थी, साउट विथ जॉय, एंड गिल्बर्ट प्रिक रिटर्न द इको, आई हैड कंगर माई फियर ऑफ वाटर, दूर गिल्बर्ट प्रिक जो एक हिल था वहाँ से उनके साउटिंग, जो जॉय की साउटिंग थी वहाँ का इको आ रहा था, नाउ ही कंगर विद ऑन हिज फियर ऑफ वाटर फोबिया, एंड द एक्सपीरियंस हैड डीप मीनिंग फॉर मी, एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंगर इट कैन अप्रिशिएट। तो यहाँ राइटर कहते कि ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत मायने रखता था, ये जो डर निकला है, जो फोबिया निकला है, उनको ही पता चलता है जो ऐसे फोबिया से गो थ्रू हुए हो, जिसको इनका एक्सपीरियंस हुआ हो, उनको ही पता चलता है कि भाई डर पे जीत क्या होती है। इन डेथ देयर इज पीस, सब लोग जानते हैं भाई अगर मौत हो गई तो शांति है, लेकिन डर कहाँ पे है, तो जीने की उम्मीद में। देयर इज टेरर ओनली द फियर ऑफ डेथ, अगर हम डेथ का फियर रखेंगे तो फियर हम इससे दूर नहीं भागेंगे, लेकिन हम उन पर जीत करने की कंगर की कोशिश करेंगे तभी हम फियर पे कंट्रोल कर सकेंगे। तो यही बात जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, उन्होंने भी बताया, देखो कैज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, उन्होंने बताया कि डर एक ही चीज़ का होता है, सिर्फ डर का होता है। अगर हम किसी चीज़ के डरते हैं तभी डर हमारे अंदर आता है, लेकिन वो डर ही हम निकाल दें तो किसी चीज़ का हमें डर लगता नहीं है, रूजवेल्ट की थॉट थी। Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity. तो राइटर ने तो दोनों का एक्सपीरियंस अपने यहाँ मन से शेयर किया है, और वो एक्सपीरियंस भी हुए है कि भाई डेथ के नज़दीक भी पहुँच गए थे, उनसे बाहर भी आए, एक फोबिया भी हो गया, और ये फोबिया को कैसे दूर किया, तो इनके लिए बहुत ये सब बातें बहुत मायने करती हैं, और जो जीने की उम्मीद है उनकी बढ़ जाती है यहाँ पे। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, फ्री टू वॉक द ट्रायल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश साइड फियर। तो यहाँ राइटर कहते हैं मैं पूरा आज़ाद हूँ, अकेला छोटी ट्रायल पे
छोटी नली पे चल सकता हूँ, पर्वत पे क्लाइंब कर सकता हूँ, पीक पे क्लाइंब कर सकता हूँ। अब मुझे ऊंचाई का, पानी का, डीप वाटर का कोई डर रहा नहीं, उसको मैंने दूर निकाल दिया है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारा ये यूनिट था, जो डर पे जीत कैसे हासिल की जाती है, ये हमें एक अच्छा मैसेज यहाँ पोएट राइटर देते हैं। ओके, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।